सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे. ओके, तो आज हम वापस से अपनी कक्षा 2 हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में, कक्षा 2 में हिंदी में क्या निकालेंगे? पार्ट 14. पार्ट 14 का नाम क्या है? नटखट चूहा. नटखट चूहा के 2 भाग तो हमने पढ़ लिए है ना, आज हम पढ़ेंगे भाग 3. दोनों भाग में तो मैंने आपको बताया था ना कि एक कौन होता है? चूहा होता है, बहुत शरारती होता है. नटखट मतलब शरारती चूहा. वो बहुत शरारत करता था, तो उसको शरारत करने की सूझी थी बहुत दिनों से. तो वो क्या गया एक दिन बिल में छुप रहा था ना, तो वो सोचा उसने कि चलो मैं आज कहीं घूम के आता हूँ. तो वो जब जाने लगा रास्ते में, तो उसको क्या दिखाई दी? कपड़े की दुकान दिखाई दी. तो वो कपड़े की दुकान से उसने कपड़ा मांगा. वो कपड़े वाले ने उसको मना किया, लेकिन उसने उसको बोला कि गाना गा के सुनाया कि मैं रातों रात में आऊँगा और अपनी सेना लाऊँगा, मतलब अपने चूहों को ले आऊँगा, दोस्तों को, और तुम्हारे कपड़े कुतरूँगा. तो वो बेचारा कपड़े वाला भी डर गया. उसके बाद वो वापस कहाँ गया? आगे निकला तो उसे उसने कपड़ा दे दिया उसको. तो फिर आगे गया तो और उसको कपड़े की दर्जी की दुकान दिखाई दी. दर्जी से भी बोला, दर्जी ने भी उसको बोला कि क्यों भाई, तुम्हारा क्या काम है मेरी दुकान में? बोला कि मुझे आप एक टोपी सिल के दे दो, मैं ये कपड़ा लाया हूँ, इसकी टोपी सिल दो. दर्जी ने भी उसको ऐसे ही मना किया कि तुम कोई टोपी थोड़ी पहनोगे. फिर उसने दर्जी को भी ऐसे ही बोला कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा और तेरे कपड़े कुतरूँगा. ऐसा करके उसने उसको बोल दिया. अब आगे गया तो उसको वो जब उसने टोपी दर्जी ने सिल भी दी डर के, तो उसने टोपी पहन के देखी, तो उसको वो टोपी बहुत अजीब सी लग रही थी. तो बोला कि इसमें सितारे और लगवाऊंगा. तो अब आगे गया तो एक सितारे वाले की दुकान दिखाई दी. अब दुकानदार से भी उसने बोला कि भाई मुझे सितारे चाहिए. तो उसने वो भी चौंक गया दुकान वाला कि तुम्हारा क्या काम भाई सितारे लगाने का. तो वो उसको भी ऐसे ही उसने बोला कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊँगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा. ऐसा करके उसको भी डरा दिया. और वो भी बेचारा डर की वजह से उसने सोचा ये तो मेरे सारे सितारों को बिखेर देगा. तो वो आखिर में बोलता है कि दुकानदार ने फिर वापस बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे चूहे भैया ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा. अब उसने बोला कि चलो ठीक है, और मैं इसमें टांग भी दूंगा, मतलब इसमें लगा भी दूंगा. अब अच्छा तो जरा जल्दी करो. अब आगे देखते हैं, उसने ऐसा बोल दिया कि मैं इसमें टोपी में आपके सितारे टांग भी दूंगा. अब आगे देखते हैं बेटा, आप लोग भी टेक्स्ट बुक निकालो साथ में, और नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम. अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा. टोपी बनकर तैयार हो गई. चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा. वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ. अब वो टोपी तैयार हो गई बनकर, तो उसने सोचा कि चलो भाई मेरी टोपी तो इतनी सुंदर हो गई, वो आईने के सामने वापस शीशे के सामने खड़ा हो गया. तो उसने खुशी से, मतलब बहुत खुश हो गया. हम भी कभी नए नए कपड़े पहन लेते हैं, आप लोग तो खुश होते हो ना कि चमकीले कपड़े के, चलो कहीं जाते हैं शादी में फंक्शन में तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. तो ऐसे वो भी पहन के बहुत खुश हो गया, और उसका मन खुशी से नाच छूटा. वह सोचने लगा, मैं किसी राजा से कम नहीं हूँ. और उसने सोचा भाई अब मैं ये टोपी को दिखाऊँ किसको, अपनी चमकीली टोपी. तो चलो उसने सोचा कि मैं राजा को ही अपनी टोपी दिखाता हूँ. 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा. वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ. राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ. उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो. चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ पे मैं बैठूंगा. अब क्या हुआ, वो जब अपनी सुंदर उसने टोपी पहन ली, तो वो कहाँ गया? 1 घंटे के अंदर ही वो नटखट चूहा था जो राजा के राजमहल में जाके, जो राजा का महल होता है जहाँ राजा रहता है, वहाँ पे जाके वो पहुँच गया और राजा के सामने जाके खड़ा हो गया. राजा ने उसको चूहे को देखा तो बहुत तो हैरान हुआ. तो और उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चूहे ने कहा, महाराज पहले आप ये बताओ मुझे कि मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ. तो चूहे ने महाराज से पूछा कि भाई मुझे बताओ आप कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो. अब राजा ने कहा कि भाई तुम तो, उसने तो उसको वैसे ही कह दिया चूहे को कि भाई तुम तो एकदम राजकुमार जैसे लग रहे हो, एकदम बहुत सुंदर लग रहे हो. तो चूहा फिर क्या था, चूहा तो और थोड़ा
एटीट्यूड में आ गया, घमंड में आ गया। उसने सोचा मैं तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता हूँ, मतलब तो राजा का बेटा जो होता है राजकुमार बोलते हैं, तो मैं तो बिल्कुल राजा जैसा लग रहा हूँ। तो वो भी राजा से बोला कि चलो अगर मैं राजा जैसा लग रहा हूँ तो आप इस गद्दी से उतर जाओ, राजा जी की जो सिंहासन होता है राजा जिस पे बैठता है, या आप इस गद्दी गद्दी से उतर जाओ, यहाँ तो मैं बैठूंगा क्योंकि मैं राजा जैसा दिख रहा हूँ। अब आगे देखते हैं, राजा को हंसी आ गई। उसने कहा भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। अब राजा को तो हंसी सी आई, वो बोला कि ये क्या बोल रहा है, मतलब कि मुझे गद्दी पे से हटा रहा है। उसने कहा कि भाग यहाँ से, सिंहासन चूहों के लिए थोड़ी होता है, ये तो केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। अब चूहा उसको बोला कि क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं क्यों दूंगा अपनी गद्दी, कोई चूहा थोड़ी बैठेगा सिंहासन पे, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ही यहाँ पे बैठूंगा, तो तुम नहीं उतरोगे। अब उसने वापस गुस्से में पूछा कि क्या नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा तो राजा ने जवाब दिया नहीं 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 राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वो तो अड़ गया राजा अपनी बात पर, नहीं 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 राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। अब क्या था, इस चित्र में देख रहे हैं ना हम लोग कैसे चूहा दौड़ रहा है, उसके पीछे सारे जो मंत्री हैं, सिपाही हैं, राजा के दरबार में होते हैं ना बहुत सारे मंत्री होते हैं, सिपाही होते हैं, राजा उनको आदेश देता है। तो राजा ने उनको आदेश दिया कि तुम लोग जल्दी से इसको पकड़ लो चूहे को, ये तो बहुत परेशान करने लग गया है। अब वो जो जैसे राजा ने उसको उनके मंत्रियों को उनके सिपाहियों को आदेश दिया तो कि चलो पकड़ो इसको, तो वो सिपाही थे तो सारे उसके पीछे दौड़ने लगे। अब देखा तो आप लोगों ने इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कैसे कि चूहा दौड़ रहा है, उसके पीछे सारे जो सिपाही हैं वो सारे मंत्री और सिपाही लोग हैं कैसे उसके पीछे दौड़ रहे हैं और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, अब क्या था कि जैसे देखा ना आप चित्र में कि वो सब लोग कैसे उसके पीछे भाग रहे हैं चूहे के, और चूहा तो छोटा सा होता है, उनके पैरों के नीचे से भी साइड साइड से निकल जाता है, और चूहा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, और वो बेचारे जो सिपाही लोग हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, धड़ाम धड़ाम से उनके ऊपर गिर रहे हैं, चित्र में दिख रहा है ना हमको ऐसे। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, वापस से वो तो एकदम चूहा तो एकदम सरपट से निकल जाता है, तो सिपाही ने एक के ऊपर एक गिर पड़े सारे, तो उनको देख के चूहा भी हंसने लगा और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। अब उसने बोला कि मैं रात को आ जाऊँगा और अपनी सेना को लेके आऊँगा, मतलब अपनी मेरे वापस से उसने बोला कि मेरे जो सारे चूहे मित्र हैं उनको लेके आऊँगा और तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा ने तो सोचा कि भाई ये तो मुझे ऐसा धमकी दे रहा है, तो बोला ये तो चूहों की फौज तो मेरे पूरे महल को तहस नहस कर देगी, मतलब पूरा नष्ट कर देगी सारी, अगर चूहों की सारी फौज आ जाएगी तो मेरा सब सामान और ये जो कालीन वालीन सब बिछे रहते हैं ना राजा का, सब कितना भी आलीशान होता है राजा का महल तो आपने देखा, तो ये तो सब राजा का सिंहासन, चूहे तो इतनी सी चीज़ को भी कुतर कुतर के पूरा खराब कर देते हैं। तो उसने बोला कि ये तो मेरा सारा सिंहासन, मतलब मेरा पूरा राजमहल है उसको तहस नहस कर देंगे, और वह डर से कांपने लग गया। और चूहा फिर उसको यही धमकी देने लग गया कि रात को मैं आऊँगा और अपनी सेना लाऊँगा और तेरे कानों को कुतरूंगा, मतलब आपके कानों को मैं काट लूँगा। राजा डर से कांपने लगा, कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार से नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ, तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। अब राजा डरने लगा, कांपने लगा और कांपती आवाज़ में एकदम डरी सी आवाज़ में उसने चूहे से कहा, भैया चूहे आप तो बेकार में ही नाराज हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो आप, तो आप जाओ, आपको बैठना है तो आप कितनी देर इस पर शौक से बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक आराम करता रहा। अब क्या था कि चूहा उसने राजा ने उसको बोल दिया तो उसको बहुत मतलब बहुत अच्छा हुआ और बहुत खुश हो गया, और वो शान से मतलब ऐसे कहते अकड़ के शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई, सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे।
अब क्या हुआ, वो उस पे गद्दी पे बैठ गया, और रात को जैसे ही रात हुई सब लोग सो गए, तो उसने अपना शौक पूरा कर लिया कि भाई वो बैठ चुका था उस पे काफ़ी देर तक। तो उसने सोचा कि चलो, फिर वो काफ़ी रात जब बीत गई, सब लोग सो गए, तो वो आराम से गद्दी से कूद कर नीचे आया। और ज़्यादा देर तक तो थोड़ी चूहा बैठ सकता है कोई, और वह अपनी गद्दी से कूद कर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। और उसने अपनी शान से, मतलब बहुत अकड़ से, अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को, मतलब अपने जो मित्र थे ना सारे, देखो इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना, सारे मित्र बैठा है और उसके सारे दोस्त बैठे हैं, तो सभी दोस्तों को उसकी टोपी अपनी साथियों को दिखाई, और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। मतलब जो उसके साथ हुआ, तो वो सारे जो मित्र थे ना, वो सब भी उससे बहुत खुश हो रहे थे उसको देख के, और वो लोग भी उसकी कहानी सुनना चाहते थे। अब क्या हुआ था बेटा, इस कहानी से हमको क्या वो मिलती है, क्या इसका सारांश क्या है, कि इसमें उसने चूहे ने क्या बड़ी समझदारी से और बड़ी चालाकी से उसने अपना, उसके अंदर थी अपना काम करवाने की हिम्मत थी, कि किस तरह से सबको प्रभावित करके उसने अपना काम बनवा लिया, मतलब अपना काम निकलवाने में वो इतना चालाक था, इतना माहिर था, कि उसने बड़ी चालाकी से सबसे अपना काम करवा लिया। कपड़े वाले से कपड़ा ले लिया, दर्जी से उसको टोपी को सिलवा भी लिया, फिर उसको सितारे भी लगवा लिए, फिर राजा के यहाँ भी चला गया, यहाँ तक कि उसने राजा को भी सिंहासन से हटा के और राजा के उसमें सिंहासन पर बैठ गया। इस तरह से उसने अपने अपनी सारी इच्छा भी, अपनी शौक भी पूरा कर लिया, और बड़ी समझदारी से उसने उसको समझ लिया, और समझ के अच्छे से, कहते हैं ना कि अपना सारा जो मन की इच्छा थी, अपना सारा सारे शौक उसने अच्छे से पूरे कर लिए, है ना। और वो कितना नटखट था। तो आज हमने पूरे पाठ का अभ्यास भाग 3 तक। ओके बेटा, आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको इसके अब 3 प्रश्न दे रही हूँ, है ना, 2 या 3 प्रश्न, उसका उत्तर आपको मुझे देना है। ओके, तो सबसे पहला तो, कि सबसे पहले चूहा किसकी दुकान पर गया था, और दूसरा कि चूहा लास्ट में किसकी किसके पास गया था, मतलब कहाँ गया था, जब उसने पूरी टोपी उसकी तैयार हो गई थी ना, सितारे वितारे लग गए थे, तो वो लास्ट में कहाँ गया था। ओके, इन 2 प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है ना। एक तो चूहा सबसे पहले कहाँ गया, किसकी दुकान पर गया था, और दूसरा लास्ट में वो कहाँ पे गया था। ओके बेटा, और वो कितना खुश था आपको मालूम है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से पाठ समझ में आ गया होगा। ये कहानी हमको बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसी लगी आपको ये कहानी ये भी मुझे बताना। और ये कहानी में बहुत मज़ा आया ना आपने को सुनने में, कि चूहा बहुत नटखट था, चालाक था, है ना, कितनी चालाकी से उसने अपना सारा काम बनवा लिया था। ओके बेटा, आप मुझे इसके उत्तर लिख के देना कमेंट बॉक्स में, और बाकी का जो मैं है इसका अभ्यास आपको CW वर्क जो है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब PDF में हम करेंगे, इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी करेंगे, इसका CW वर्क भी करेंगे। CW वर्क में इसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर वगैरह भी हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, और आप लोग भी इसको अच्छे से घर पे पढ़ के देखना। मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि हमको रीडिंग करते रहनी है, टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, और साथ साथ पेंसिल लगा लगा के हमको एक एक पैराग्राफ हमको पढ़ते रहना है। ओके बेटा, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना, हमेशा मास्क लगा के रहना घर से बाहर जाओ जब, और हैंड वॉश दिन में हमको हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हैंड वॉश करते रहना है। ओके, बाय, थैंक यू।